यास्मीन, यास्मीन जी बेबी जी, अयान का है? छोटे साहब तो अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए। फजर को बुलाओ। जी छोटी बीबी भी उनके साथ गई है। जी वो मुझे सारे काम समझा के गई है। आप कहें तो खाना लगा दूं? नहीं, जाओ तुम। ठीक है कमी, थोड़ी देर की बात बात सुनो भाई। आपके साहबजादे कहाँ हैं अभी? उनसे कहिएगा कि उनकी टिकट्स कंफर्म है और उनकी अकोमोडेशन का एक हफ्ते के अंदर अंदर वो भी फाइनलाइज हो जाएगा। आपका अपने साहबजादे की शादी का फैसला कुछ ज्यादा सही साबित नहीं हुआ? मैंने सिंपली आपसे पूछा है कि आपके साहबजादे कहाँ हैं। कहाँ हो सकते हैं, हर रोज की तरह आज भी अपनी बीवी को लेके महके गए हैं। मारुख बेगम, आयान के लिए इस वक्त आप ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि उनकी बेगम साहब। आप सिर्फ अपनी पार्टीज से वक्त कम करके अपने घर को तवज्जो दीजिए। एक बात और कि मैं अपने बेटे की नाराजगी को अफोर्ड नहीं कर सकूं। एम आई क्लियर? और आप इस मामले को मुस्कुराकर अच्छे तरीके से टैकल कीजिए। समरा, तुमने मुझे एक दिन में इतना पराया कर दिया कि तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि अम्मी हॉस्पिटल में इतनी पराई हो गई मैं। जी कैसी बातें कर रही हो, तीन बातों का नहीं। समरा प्लीज बताओ क्या कहा डॉक्टर ने, आंटी की तबीयत कैसी है? समरा कल अम्मी मुझसे मिलकर गई है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। आज क्या हुआ है उन्हें, बोलो ना, चुप क्यों? अगर फजर को पता चल गया कि अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं तो? समरा बताओ क्या कहा डॉक्टर्स ने? शामिर से मिली थी? हाँ न्यूयॉर्क में मिला था। बीवी भी साथ थी? हाँ इंट्रोड्यूस तो यही कहकर करवाया था उसने। कौन थी जानती हो? जानती हो
देखा तो नहीं पहले मैंने, लेकिन उड़ती उड़ती सुनी है कि किसी गवर्नर की बेटी। बेटा वो तुम्हारी बीवी है। बीवी 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 अम्मी मुझे नफरत हो गई है इस लफ्ज से, मैं थक गया हूँ ये लफ्ज सुन सुनकर। अम्मी मैंने ये शादी आपकी जिंदगी के लिए की थी, मगर अब मुझ में ये रिश्ता निभाने की ताकत नहीं है, मैं नहीं निभा सकता ये रिश्ता। बस क्या ये शादी सिर्फ और सिर्फ अदनान का एक जज्बाती फैसला था जिसने मेरी जिंदगी? नहीं नहीं, अदनान को ये रिश्ता हर सूरत निभाना होगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी मरूमा बहन की बेटी का घर ना बचा सकी। मुझे अदनान को समझाना होगा शादी कोई खेल नहीं है, जो उसका दिल भर गया तो वो नेहा को छोड़ दे। तुमने मुझे एक भी दफा बताना जरूरी नहीं समझा कि अम्मी की हालत ये है, वो हॉस्पिटल में, एक कॉल। सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान? अब कौन सा मैं सुकून में हूं? अगर मैं घर जाके ना देखती कि वहां कोई नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, तुम तो मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझती। नहीं फजल, ऐसी बात नहीं है। सर प्लीज यार बस कर दो, बहन है तुम्हारी, उसको इस वक्त तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तुम्हें आंटी के लिए दुआ करनी चाहिए, तुम बैठ के लड़ रही हो उससे। प्लीज आप दोनों ये रोना धोना जरा बंद करो, फ्रेश हो जाए आप लोग जाके, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता। एक्चुअली मैं कहना ही चाह रही थी कि तुम्हें शामी मिला था ना अमेरिका में, अगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता मुझे तो। हाँ मेरे शामिर से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे बच्चे का बाप है। बस नेहा बस, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपनी बेटी की खुशी दांव पे लगा दी और तुम अभी भी शामिर की राह तक रही हो। मेरी अम्मी अब ठीक है ना, उनकी तबीयत ठीक है ना? हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन अफसोस हम नहीं बचा सके।